बिग बॉस के 16 सीजन की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। सलमान खान के इस शो में कई चर्चित और विवादित कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया है। हर सीजन में कोई ना कोई ऐसा कंटेस्टेंट शो में आता है जो अपनी एंट्री के साथ ही दर्शकों का ध्यान खींच लेता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अर्चना गौतम ने बिग बॉस में आते ही धमाल मचाना शुरू कर दिया है। शो पर आने से पहले अर्चना का वीडियो दिखाया गया जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि वो अपने साथ शो में सिलबट्टा लेकर जाएंगी क्योंकि उन्हें चटनी खाना बहुत ही पसंद है। इसके बाद जब अर्चना शो में आती हैं तो सलमान खान उनका स्वागत करते हैं और उनकी बातों को सुन सलमान खान भी उनकी टांग खींचने लगते हैं। खान ने अर्चना से उनके लव लाइफ के बारे में पूछा तो अर्चना ने कहा कि वो एक लड़के से प्यार करती थी और एक ही उनका बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का इनसे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उनके पैसों से प्यार करता था। तभी से मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं वो एक नेता से शादी करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं नेता हूँ, वो भी एक नेता होंगे तो हमारे बीच कम लड़ाई होगी, अपनी फील्ड का इंसान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर सलमान खान कहते हैं कि शायद आपको बिग बॉस में कोई मिल जाए तो। अर्चना कहती हैं कि आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। सलमान अर्चना से ये भी पूछते हैं कि आपको शादी क्यों नहीं करनी। इस पर अर्चना कहती हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की अब तक, मैं भी आपकी तरह टेंशन फ्री रहना चाहती हूँ, जैसे आपकी लाइफ में कोई लफड़े नहीं है, अकेले बिंदास रहो, मैं भी आपकी तरह जीना चाहती हूँ। बता दें कि अर्चना गौतम ने मिस बिकनी इंडिया 2018 जीता था, साथ ही उन्होंने मलेशिया में आयोजित मिस कास्मास वर्ल्ड 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व भी साथ किया था, मोस्ट टैलेंटेड का उप खिताब भी जीता था। अर्चना ने 2015 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। तो दोस्तों, क्या राय है आपकी अर्चना गौतम के बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।